युवाओं को राज्य की अच्छी नीति के नाम पर, नियोजन के नाम पर, भत्ता के नाम पर एक बड़ा आश्वासन के साथ ये सरकार आगे बढ़ी थी और उनका विश्वास लिया था। प्रत्यक्ष रूप से 3 साल पूरा करने की तिथि पे हम आ गए। उनके किए हुए वादे, युवाओं को अधिकार, जो आपका संकल्प पत्र था, सरकार का संकल्प पत्र था, सरकार के नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा का, कांग्रेस का, राजद का, उस संकल्प पत्र के प्रथम श्रृंखलाबद्ध रूप से अगर हम जाएं, तो एक भी संकल्प आपका पूरा होते हुए नहीं दिखता है। आपने इसी प्रदेश के नौजवानों को आश्वस्त किया था कि नीतियां आपके लिए बनेंगी और उसी नीति के आधार पर 1 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 3 वर्ष बीत गए, आपके वायदे अनुसार 15 लाख नौकरी झारखंड के नौजवानों को मिलना चाहिए। 3 साल में केवल सरकारी नौकरी का डाटा अगर सामने रखें तो तकरीबन 550 नौकरी ही अभी दे पाए हैं। जितना नौकरी दिए उससे ज्यादा लोगों का नौकरी छीन गया है। आपने ऐसे नौजवानों को वायदा किया कि अगर नौकरी देने की स्थिति ना रहेगी तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 7,000 और ग्रेजुएट के लिए 5,000 रुपया भुगतान किया जाएगा भत्ता के रूप में मासिक। आपने ये काम, ये वायदा पूरा नहीं कर पाए। आप जितने तरह के आयोग और उनके माध्यम से जो रिक्तियों पर एग्जाम तैयार करने थे, पूरे साल भर आप देखेंगे कि सरकार और सरकार के नेता का रोज अखबार की सुर्खियों पर बहाली की सूचना आती थी कि इस साल इतना हजार, शिक्षा विभाग में इतना हजार, वन विभाग में इतना, अलग अलग विभाग भार रिक्तियों पर नियुक्ति की बात और चर्चा रही। घोर निराशा नौजवानों में है। जिस तरह से नियोजन नीति आपने बनाया, स्थानीय नीति के लिए चर्चा किए, हम लोगों ने कहा कि नियोजन नीति स्थानीय नीति का आधार बने। हमने हर जगह पर जब नियोजन नीति के लिए पहल सरकार ने किया, हर जगह पर हम लोग ने ये नहीं देखा कि वो पक्ष है या विपक्ष। इस राज्य के हित में हम लोग ने कहा था कि जो भी कदम सरकार उठाएगी हम लोग उसके साथ रहेंगे और ये हमारा आंदोलन भी रहेगा। हम पिछले कई वर्षों से इस इशू के साथ हम लोग लड़ते आए हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।